दोस्तों हम लोग का पास आ गया रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350cc BS6। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, जैसा क्लासिक में थोड़ा वाइब्रेशन होता है ना 70 से चलने में पूरा बॉडी कंपने लगता है, इसमें कोई भी नहीं कंपता है। और दोस्तों पीछे में भी जो ABS है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, KTM जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। और आगे वाला ABS भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे इससे पहले वाला क्लासिक है ना सिर्फ नाम का ABS, काम का नहीं, उतना काम सही से नहीं पकड़ता है। 60% काम करता है, ये 100 में से 100% काम करता है। तो दोस्तों एकदम सक्सेस, एकदम बिल क्वालिटी ब्रेक है इसका। KTM जैसा KTM में ABS काम करता है सेम ऐसा ही काम करता है इसका। इस गाड़ी में दोस्तों कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल टंच दोस्तों। और ABS इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका पहले वो जो मॉडल था क्लासिक उससे कैसे बोलेंगे 70% अच्छा काम कर रहा है। और चलाने में इतना मज़ा है भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं है यार, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत मज़ा है। अभी तो न्यू है, 6 महीना का हो गया गाड़ी, 10,000 किलोमीटर चलाई, तो 2 साल बाद देखेंगे कैसा इसका। जब कंपनी निकाल दिया, इतना चेंज कर दिया, तो गाड़ी तो सक्सेस हो गई, रॉयल इनफील्ड का नया कंपनी का बहुत भरन। तो दोस्त 2017 में हम लिए थे थंडरबर्ड, उसमें भी बहुत मज़ा है, मगर थंडरबर्ड कम चलता था, क्लासिक ज़्यादा। मगर एक बात बता रहे दोस्त, क्लासिक से 100 गुना अच्छा है थंडरबर्ड चलाने में, 100 गुना अच्छा है। क्या हमको हर एक बात याद है, क्लासिक लेके और हम मेरा थंडरबर्ड लेके गए थे दार्जिलिंग एक बार, ठीक है ना, करीब 350 किलोमीटर अप एंड डाउन मेरा गैरेज से खानकी से 350-400 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा बहुत घूमे 400 किलोमीटर, 380-390 किलोमीटर चलाए, ठीक है ना। उनका तो हालत खराब हुआ, मेरा उतना नहीं हुआ, कहीं ठंडा चलाने में बहुत मज़ा है क्लासिक से, बहुत अच्छा। और ये जो क्लासिक है दोस्तों रॉयल इनफील्ड क्लासिक न्यू मॉडल BS6, ठीक है ना, ये तो बहुत मज़ा है यार, बहुत मज़ा, ये हुआ एक नंबर क्लासिक भाई, कोई भाई भी सुनिए, चलाने में बहुत मज़ा है भाई, बहुत मज़ा है इसमें। तो आदमी ने हम अच्छा से इसको पोलिस वोलिस मार लेते हैं, ठीक है ना, फिर हवा डालना है, पीछे में 40 आगे में 30, देखिए एकदम टांच गाड़ी है दोस्तों, बिल्कुल टांच है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ये किला से भाई चलाने में बहुत मज़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम नापेंगे कितना किलो, ठीक है ना। तो दोस्तों नापे पूरा पूरी 2 क्विंटल 200 किलो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।